रोहन गुप्ता जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए राहुल गांधी को लेकर किरण रिजिजू का ये जो बयान है, क्योंकि उन्होंने देश के खिलाफ, देश को तोड़ने वाली बात वहां पर जाकर कही है। दोयम दर्जे का नागरिक है सिख, मुस्लिम और ईसाई, यह बयान क्या प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया था? इसी बात को लेकर बीजेपी हमलावर है और ये कह रही है कि एकता के लिए देश के राहुल गांधी बेहद खतरनाक है। देखिए चित्रा जी, अभी तक भाजपा ही सिर्फ राष्ट्रभक्ति के सर्टिफिकेट देश में बांट रहे थे, और कोई भी आदमी बोलता था तो, अगर कोई नागरिक बोलता है, कोई पत्रकार बोलता है, तो राष्ट्रभक्ति के सर्टिफिकेट भाजपा बांटती थी कि ये राष्ट्रभक्त है और ये देशद्रोही है। अब राहुल जी के लिए भी ये लोग सर्टिफिकेट बांटने लगे। मुझे बताइए चित्रा जी, आज जो मंत्री ने राहुल गांधी जी के लिए बोला है, इनके सारे मंत्रिमंडल के सारे मंत्री बेरोजगार है कि जब भी राहुल गांधी जी बोलते हैं तो मुख्य मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं करते? राहुल गांधी जी ने जो कहा कि देश का जो ढांचा है उसमें न्याय तंत्र है, उसमें मीडिया है, उसमें हमारा अर्थतंत्र है, उसमें हमारी पार्लियामेंट है, सबके ऊपर अटैक हो रहा है। जो भी आदमी इनके खिलाफ बोलता है उसके ऊपर ये लोग अटैक करने लग जाते हैं। क्या गलत बोला? मुझे तो नहीं लगता है कि उसमें कहीं पे भारत का अपमान किया हो, क्योंकि भारत भाजपा नहीं है और भाजपा भारत नहीं है। भाजपा ये समझे कि भाजपा का क्रिटिसाइज करना या उसकी सरकार जो देश की आवाज को बंद करने का प्रयास करती है, वो हम तीन काले कानून की बात करके, नोटबंदी की बात करें, हम चाइना की बात करें, हम कोरोना की बात करें, हर मुद्दे पे इनकी विफलता के ऊपर सवाल उठाना देश के खिलाफ सवाल उठाना नहीं है। और ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से देशभक्ति की हम बात करेंगे और हमारी विफलता से छूट जाएंगे। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, सिख और ईसाई ये दोयम दर्जे के नागरिक हैं। नरेंद्र मोदी ने ये कब कहा था, वो बयान आपको सुनाऊं क्या? आप अगर नरेंद्र मोदी को कोट कर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को विदेशी धरती पर ये बात कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी धर्मों के खिलाफ वो दोयम दर्जे के नागरिक हैं, इस तरह की बातें कहते हैं, ये कब कहा था? मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, क्योंकि मैंने बहुत खोजने की कोशिश की, मुझे दिखा नहीं, तो आप बताइए ये कब कहा था नरेंद्र मोदी ने? चित्रा जी, मैं भी आपको, मुझे वीडियो मिलेगा, मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि मैं भी अभी डिबेट में आया हूं और ये अभी आपने टॉपिक अभी चेंज किया है, मैं भी दिखा दूंगा। पर मुख्य मुद्दा क्या है, जो राहुल जी ने जो बात कही, गुजरात की हम बात करें, तब से लेके ऐसे कई बयान आए हैं, मैं बात आपको बयान करूंगा, कुत्ते के पिल्ले वाला बयान हो गुजरात में या और भी कई बयान है जो प्रधानमंत्री जी ने दिए, ऐसा नहीं है। मुद्दा क्या है, आज हम लोग जो गौ रक्षक के नाम पे, जो अभी आपकी ही चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया 4 दिन पहले, और जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान के नाम पे, गौ रक्षा के नाम पे जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है और निर्दोषों के ऊपर लाठी उठाई जा रही है, ये हिंदू मुसलमान का इशू नहीं है। रोहन गुप्ता जी, आपकी ये सारी बातें महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है, देश से जुड़े हुए मुद्दे उठाना ही चाहिए, सभी को उठाना चाहिए। सरकार अगर कहीं पर गलत करती है तो उस पर क्वेश्चन होना ही चाहिए, क्योंकि आप में भी बहुत सारे लोगों को चुनकर संसद में इसीलिए जनता भेजती है। लेकिन हिंदुस्तान के चुने हुए प्रधानमंत्री को, जिसकी पॉपुलैरिटी इस देश में इतनी ज्यादा है, बार बार तमाम सर्वे आते हैं यही दिखाते हैं, अगर उनको लेकर बयान दिया जाएगा कि उन्होंने ईसाई को, मुस्लिमों को और सिख को दोयम दर्जे का नागरिक करार दिया है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूं, राहुल गांधी ने क्या ये गलत बयानी की है? क्योंकि अगर आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ही नहीं पता है कि प्रधानमंत्री ने ये कब बोला, तो ये पलटकर सवाल पूछा जाएगा ना कि विदेशी धरती पर मोदी को कोट करते हुए यह बयान राहुल गांधी की ओर से क्यों दिया गया? मैं ये जानना चाहती हूं। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब, और जैसे मैंने कहा कि क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अलग मुद्दे पे डिस्कशन था, अगर आप मुझे बोलते तो मैं ये भी इसका जवाब लेके रखता। प्रेम शुक्ला जी के पास जाते हुए, प्रेम शुक्ला जी सीधे आपसे जवाब, दोयम दर्जे के नागरिक है इस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया है, इस पर भी आप टिप्पणी कीजिए, और राहुल गांधी देश के लिए खतरनाक कैसे हो गए अगर वो देश से जुड़े हुए मुद्दे को उठाते हैं, चाहे देश के भीतर या देश के बाहर जाकर, तो वो एकता के लिए खतरा हो गए बीजेपी के लिए? चित्रा जी, बीजेपी के लिए तो खतरा ही नहीं, बीजेपी के लिए तो वो बोनस है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र को जिस तरह से बदनाम करने का उनका सुनियोजित प्रयास चल रहा है, वो निश्चित तौर बाहर पर भारतीय जो संप्रभुता है उसको जो है चुनौती देने का काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, कांग्रेस के सारे प्रवक्ता मिलकर अगले साल भर में निकाल के दिखा दें कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ईसाइयों को, मुसलमानों को, सिखों को कब दोयम दर्जे का नागरिक कहा? साहब, दोयम दर्जे का नागरिक तो राजीव गांधी ने सिखों को बनाने का कुचक्र रचा था, जब 10,000 निर्दोष सिखों का नरसंहार कर दिया गया और उनको न्याय नहीं दिया गया, उसके बावजूद कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, ना अटल जी ने, ना आडवाणी जी ने, ना मोदी जी ने कभी विदेश की धरती पर जाकर ये नहीं कहा कि सिख इस देश में राजीव गांधी के कार्यकाल में दोयम दर्जे के नागरिक थे, जबकि 10,000 सिखों के नरसंहार के बाद उनका नरसंहार करने वाले HKL भगत को मंत्री बनाने का कुकर्म राजीव गांधी ने किया।
कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का कुकर्म कांग्रेस पार्टी ने किया, एचकेएल सज्जन कुमार को सांसद बनाया गया, जगदीश टाइटलर को जो है मंत्री बनाया गया, तो जो हत्यारे थे उनको मंत्री बनाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी विदेशी मंच पर यह नहीं कहा कि सिख भारत में दोयम दर्जे के नागरिक हैं। और 1964 में जो दंगा हुआ जमशेदपुर से लेकर लगातार दंगे इस देश में हुए, मुंबई में दंगे हुए, कानपुर में दंगे हुए, मलियाना में दंगे हुए, भागलपुर में मुसलमानों के 110 लोगों को काट कर उनकी हत्या करके उनको गाड़ दिया गया था और उस पर जो है बैंगन की खेती की गई थी। ये कांग्रेस का कार्यकाल था, तब भी किसी ने नहीं कहा कि मुसलमान भारत में दोयम दर्जे के नागरिक हैं, इस देश में हर कोई जो है समान नागरिक है। हम तो समान नागरिक संहिता के लिए बारंबार प्रयास कर रहे हैं कि समान नागरिक संहिता लागू हो, सारे नागरिकों को एक जैसा ही जो है क्रिमिनल अधिकार भी हो, सिविल अधिकार भी हो। ये तो हमारा सामने से खिलाफ आवाज उठाते हैं, इसलिए खतरनाक हो गए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, हमारे लिए खतरनाक नहीं है वो, देश के लिए। जब G20 का यहाँ सम्मेलन चल रहा है, ऐसे समय में विदेश में जाकर ब्रिटेन की धरती पर यह कहना कि भारत में लोकतंत्र बच नहीं रहा है, यहाँ की मीडिया, मुझे चित्रा जी बताइए, पिछले 9 वर्षों में आपको पत्रकारिता करने से किसने रोक दिया? एक घटना मुझे बता दीजिए, आपके आसपास के जो आपके मित्र पत्रकार हो, किसको पत्रकारिता करने से रोक दिया गया? बीबीसी का हवाला दे रहे थे, किस फैसले को सरकार ने पलट दिया? जरा मुझे बता दीजिए। नहीं, बीजेपी का हाल तो बीजेपी लोकतंत्र को कैसे कमजोर कर रही है, वही तो बताई पूछ रहा हूँ ना मैं। भारतीय जनता पार्टी कैसे लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, मैं वही उदाहरण तो पूछ रहा हूँ। न्यायपालिका कमजोर हुई है क्या? ठीक है। तो नहीं कमजोर हुई है। ठीक है। कार्यपालिका कमजोर हुई है क्या? तो नहीं कमजोर हुई है। संसद कमजोर हुआ है क्या? तो नहीं कमजोर हुआ है। पत्रकारिता कमजोर हुई है क्या? तो नहीं कमजोर हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा, अगर विदेश की धरती पर जाकर भारत विरोधी अभियान चलाएगा तो इससे भारत प्रबल होगा क्या? अनुराग भदौरिया जी, संगीत रागी जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, लेकिन रोहन गुप्ता जी उनके सवालों पर जवाब दीजिए पहले। देखिए चित्रा जी, इन्होंने कहा कि क्या न्यायपालिका कमजोर हुई क्या, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम का विरोध, ये पहली बार हुआ है। आज जो उनको बेरोजगार मंत्री जो राहुल जी के खिलाफ बोले हैं, उन्होंने कॉलेजियम का विरोध किया, ये इससे बड़ा न्यायतंत्र पे खतरा क्या हो सकता है? आज जो इलेक्शन कमीशन की जो प्रोसेस है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, ये पहली सरकार होगी जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को स्वीकार कर लीजिएगा, उसमें विरोध किया, इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? आप मीडिया की बात कर रहे हैं, चाइना के बाद भारत एकमात्र ऐसा देश है नंबर 2 जहां पे सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट के जो अरेस्ट की गई, हिरासत में लिया गया 1 साल में, इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? और जो भी आदमी भाजपा के खिलाफ खड़ा होता है, विपक्ष का, उसके ऊपर जो वो कोई भी पार्टी का हो उसके ऊपर एक्शन होता है, इससे बड़ा क्या लोकतंत्र में खतरा हो सकता है? जो चारों मुद्दे, मीडिया की बात करें, हम लोग अर्थतंत्र की बात करें, हम न्याय तंत्र की बात करें, हम लोकतंत्र की बात करें, ये चारों चार पिलर के जो भी लोग भाजपा के खिलाफ खड़े होते हैं उनको खतरे में डाल दिया जाए और ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है। और राहुल जी ने कहा कि हमारा लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी इसका सोल्यूशन हम भी ढूंढेंगे। पर दुनिया को यह जानना जरूरी है कि जब पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जो दुनिया की शान है, अगर कोई सरकार उसको खतरे में डालती है तो ये दुनिया में ये मैसेज जाना जरूरी है। राहुल जी ने यही कहा, आप लोग क्यों सिलेक्टिव की बात करते हैं? और खतरनाक तो आपके लिए राहुल गांधी, देश के लिए नहीं है। आपको डर लगता है, आप एक बात कहते हैं कि राहुल गांधी से हमको फर्क नहीं पड़ता, तो क्यों वो बेरोजगार पत्रकार और मंत्री रोज आके उसके ऊपर प्रेस करने लग जाते हैं? क्यों आप एनालिसिस करते हैं, लेंस लेके मत कीजिए ना, क्यों आप बौखला क्यों रहे? आपको लगता है कि राहुल गांधी के बोलने से आपको फायदा होता है तो रिएक्शन करना बंद कीजिए। क्यों डिबेट में आते हैं, क्यों बौखलाते हैं, क्यों राहुल गांधी का विरोध करते हैं, क्यों लेंस लेके बैठते हैं? भारत जोड़ो यात्रा में इन तीन मुद्दों पर राहुल गांधी ने कहा था, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो और धर्म की बात हो, तीनों मुद्दे पे एक बार भी आपने चर्चा की? मैं आपको केसेस के साथ डिबेट करने को तैयार हूं, अगर आप में हिम्मत है तो राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए उसमें मेरे साथ पॉइंट पर। ठीक है, आप जवाब सुन लेते हैं प्रेम शुक्ला जी। ठीक है, सुन लेते हैं जवाब, सुन लेते हैं प्रेम शुक्ला जी। जी जी जी, अब उन्होंने पहला मुद्दा उठाया सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में, एनजेएसी के संदर्भ में। एनजेएसी जो बिल था सर्वसम्मत से संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ था, कांग्रेस के सांसदों ने उसके पक्ष में मतदान किया था। अगर एनजेएसी लागू करने की मांग अगर विधि मंत्री कर दें तो सुप्रीम कोर्ट खतरे में आ जाता है। कितने बड़े सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे साहब, अब मैं इनके बीच में बोल नहीं रहा था। एनजेएसी का समर्थन था कि नहीं था? कांग्रेस ने एनजेएसी के समर्थन में संसद में मतदान किया था कि नहीं किया था?
तो एनजेएससी जो मैं संसद में खड़े होकर आप जिस बिल के समर्थन में मतदान करते हो अगर वही लागू करने की बात अगर विधि मंत्री कह दे तो जो है सर्वोच्च न्यायालय खतरे में आ जाता है। अरे साहब सर्वोच्च न्यायालय तब खतरे में आता था जब इंदिरा गांधी कहती थी कमिटेड ज्यूडिशरी चाहिए और कमिटेड ज्यूडिशरी बनाने का आपने प्रयास किया। एसडीएम वर्सेस जबलपुर का केस जो है एसडीएम जबलपुर का केस आज भी सबके ध्यान में है कि आपने ज्यूडिशरी को कैसे कमिटेड ज्यूडिशरी बनाने का प्रयास किया था ये सब सबके सामने।